शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दीपक कुमार, पूरा नाम क्या है आपका? जी बस दीपक कुमार। फैमिली बैकग्राउंड हमारा मतलब है आपके फादर का सर्विस बिजनेस? जी पिताजी को मैंने कभी देखा नहीं सर, माँ ने ही मुझे पाला है। अच्छा, क्या करती हैं वो? घरों का काम करती थी सर, अब कपड़े प्रेस करती हैं मोहल्ले वालों के। 10वीं में 58%, 12वीं में 61%। लेकिन बीएससी में 76% से एसटीएम का टॉपर था मैं, और एमएससी में यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में फर्स्ट। वेल वी कैन सी दैट। पर देखिए मिस्टर दीपक कुमार, हमारा इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंडिया का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट होगा। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स जैसे वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। हम उनको यहाँ पर केवल टॉप क्लास की शिक्षा ही नहीं बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएंगे। Manners, etiquettes, communication skills, body language, you know, almost like a finishing school. Finishing school, जानते हैं आप? जी नहीं, पहली बार सुना है। मैं समझ सकता हूँ, after all आपकी माँ, जब खुद उनका ही background। मेरे माँ के background को समझने की औकात नहीं है आप लोगों की। और रही बात manners और etiquettes की, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं।
आप लगातार मेरी जात, मेरी औकात का मजाक कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये पेपर वेट अपने जगह पर पड़ा रहा। मैनेज नहीं होते तो आपके सर पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम छाप दिया होता अब तक। थैंक यू जेंटलमैन। अगर आप लोगों ने एक भी सवाल मेरे सब्जेक्ट से किया होता तो आपको पता चल जाता कि इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। शायद आप भूल गए कि मौका मिला था तो एक हम जैसे ने इस देश का संविधान लिख डाला था। यही घटिया मानसिकता तो खाई जा रही है हमारे देश को। यकीन नहीं होता कि ये लोग सब इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और ऐसी सोच उनकी, शायद हम ही उन्हें शिक्षित नहीं कर पाए। सर, इट्स ओके सर। नो नो, इट्स नॉट ओके। मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि जब तक आपकी पीएचडी की पढ़ाई नहीं शुरू होती कुछ अनुभव मिल जाएगा आपको, और फिर थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा आपकी माँ का। कैसा है उनकी पीठ का दर्द? जी काफी अच्छी है सर। ख्याल रखिएगा। और आपने जो आपके पेपर से ईमेल कर दिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को? सर मैं सोच रहा था मैं पीएचडी यहीं आपके पास ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ जितना आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब आपको और आगे पढ़ना है। जी सर। मगर जब तक तू तो अमेरिका नहीं चला जाता, प्रिंसिपल साहब तुझे अपने कॉलेज में नौकरी क्यों नहीं दे देते? माँ, इतना सब कुछ किया सर ने मुझे, अब नौकरी भी वही दे दें तो लोग यही बोलेंगे ना कि बस पक्षपात करते हैं। हरिया, बड़ा जल्दी आ गया, क्यों रे? भाग आया होगा शाम वाली क्लासेस से, क्यों रे? मास्टर जी ही नहीं आए आज तो। क्यों, फिर बकरी चोरी हो गई उनकी? बकरी तो मिल गई थी, अब कहते उनकी बीबी तंग आ के भाग गई। छुपे पगले। आज कंप्यूटर गेम नहीं खेलोगे? नहीं, आज जरूरी काम है, डिस्टर्ब मत कर। क्यों, अभी पूरा नहीं हुआ होमवर्क तुम्हारा? नहीं, आज भेजना है ये, तू जा अब। दीपू भैया, सच कबूल लो, हारने से डरते हो इसीलिए नहीं खेल रहे। So suppose a plus b plus पंडित जी plus b by 2 is फिर आपने लंबा रास्ता पकड़ लिया। Obviously हेड है हमारी सोसाइटी के, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो इनकी पंडिताई को पूछेगा कौन? प्लस सी प्लस। परंतु सर, हमारा उत्तर भी वही है। देन और इक्वल टू अंडर रूट। ये चार स्टेप्स लेने की क्या जरूरत थी? सर हम कंटेस्ट कर चुके हैं सब उत्तर, लघु मार्ग पकड़ेंगे तो दिशा भ्रमित हो जाएंगे। ओके। मुबारक हो प्रिंसिपल साहब, गणेश और राघव दोनों का कॉल आ गया आईआईटी कानपुर से। अरे वाह, शाबाश 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 शाबाश। मगर देखो तुम लोगों की असली मेहनत शुरू होती है अब। शंभू काका जी, मुंह मीठा करो। अरे वाह, आज कौन पास हुआ है? वो दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं। वाह, अरे यहाँ तो जो भी एक बार पढ़ लेगा वो कहीं भी पास हो जाएगा। हाँ, कहो तो तुम्हारा नाम भी लिखवा दे। अरे हमारा कहा है भाई, वो तो हमारी मुनिया है ना दसवीं में, जैसे बोर्ड पास कर जाएगी ना ला धरेंगे गुरु जी के चरणों में, खूब मेहनत करेगी देखना। वो क्या कहते हैं उसको, बड़का हाकिम बनेगी, कलेक्टर। बाबा आपको अलाउड नहीं है। क्यों, एक आध जलेबी तो? पिछले एक हफ्ते से जब से रिजल्ट्स आए हैं आप बस मिठाई खाते रहे, अब बस। आप बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आपको पता है? कुछ कहा जी? So suppose a plus b plus c plus d by 2 is greater than or equal to under root a plus b plus c plus d। भेज दिया कौन ने? भेज दिया, मगर मैं जाऊंगा नहीं। जाना तो तुम्हें पड़ेगा छोटे मास्टर, क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी वही आने वाली हूँ। सपने मत देखो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है कॉर्नेल, मत जाना, पिक्चर तो चल सकते हो ना। क्या हुआ, ऐसे देख रहे हो जैसे मैं तुम्हारी इज्जत पर आ डाला हो? झटक कर जुल्फ
जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो अच्छा लगता है हिला कर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो अच्छा लगता है खुशबू से बहलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना आंख में आंखें डाल के कह दो ख्वाबों में टहलाओ ना जरा शॉट में बतलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना पे नाज करती हो अच्छा लगता है घड़ी 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 भटकाओ ना घड़ी घड़ी उलझाओ ना सेंटी हो मैं जान गई हूँ एक्शन भी दिखलाओ ना सारा शॉट में झील कितनी खूबसूरत है और तुम भी तुम शॉट में सीधे पॉइंट पे नहीं आ सकते क्या बुरा हाल नहीं जितना शायद दिख रहा हूं फिट लग रहे हो कहो तो दो दो हाथ बैडमिंटन के हो जाए शायद भूल गए हो तुम 21-15 से हराया था पिछली बार हाँ थोड़ी प्रैक्टिस और कर लो फिर चैलेंज देना आ जाते हो तो सब अच्छा हो जाता है बस इन दोनों की चिंता है कुछ भी नहीं हो पाया अब तक कंप्यूटर क्लासेस शुरू करना चाहते अब बैंक लोन नहीं दे रहा है गारंटी चाहिए गारंटी घर भी तो पूरा नहीं बना अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो बैंक लोन अगर देता है तो उसकी गारंटी मैं ले लेता हूं और रही घर की बात तो ये तो रह रहे ना अभी तक हमारे नए घर में अरे यार आखिर कब तक रहेंगे तुम्हारे घर में 2 महीने के लिए कहा था 4 हो चुके हैं पापा बिल्डर ने कहा है वो 3-4 महीने में पोजेशन दे देगा हाँ हाँ तो ठीक है मुझे अभी कहां जरूरत है 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है कॉलेज से तुम बस चिंता मत करो यार बस एक तुम ही तो हो यार लेकिन आज नहीं खेल पाऊंगा बैडमिंटन तुम्हारे साथ कल आना कल बस 1 मिनट में जल्दी कीजिएगा तब तक मैं गाड़ी घुमा लेता अरे गुरुजी
आज तो हम आपको चाय के बगैर नहीं जाने देंगे यहाँ। अरे शंभू फिर किसी दिन, आज बहुत देर हो गई। अरे नहीं बस एक एक मिनट लगेगा बाबू जी, देखा ए मुनिया की माँ जी, जल्दी चाय चढ़ाओ और मिठाई उठाई। अच्छा ठीक है, जी और पी बी प्लस वन बाई टू पी वी पी स्क्वायर प्लस पी जी एच पी। बहुत मेहनत करती है गुरुजी, दिन रात और भी अपने से। प्रणाम गुरुजी। बस 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 बस, क्या हो रहा है? खुश रहो खुश रहो, बस खुश। अरे बाप रे बाप, इतना भारी भरकम फॉर्मूला, ये क्या है भाई? ये बर्नौली इक्वेशन। हाँ बर्नौली इक्वेशन, मतलब क्या है क्या ये? घर की सफाई करते रहना, देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठाकुर जी का दिया जलाते रहते हो? जी रोज। ध्यान रखना तुम लोग। जी। ये हमें बताता है कि जब इन दो कागज के पत्तों के बीच में से तेजी से हवा चलती है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो दबाव है वो कम हो जाता है और ये दोनों प्यार करने लगते हैं। तो गुरुजी, हवाई जहाज गिरने के पीछे भी बर्नौली का ही प्रिंसिपल है? हाँ बिल्कुल, क्यूईडी। QED, quiet era demonstrated. अरे नहीं नहीं, QED का मतलब quite easily done. ये तो quite easily done हो गया। बिल्कुल। अरे सर संजय, 2002 कॉमर्स। संजय टंडन। बैंकिंग सर्विसेज सर, यहाँ सीनियर मैनेजर हूँ। आइए सर प्लीज बैठिए। इंद्रदेव जी, जो चाय का इंतजाम। जी सर। और वो पेपर्स लेते आइएगा। जी लाइए सर, आई एम सो हैप्पी कि आप आए यहाँ। सर मैंने भी एसटीएम के लिए ट्राई किया था, साइंटिस्ट बनना चाहता था। अच्छा। लेकिन परसेंटेज कम रह गया बोर्ड एग्जामिनेशन में। बीकॉम में मेहनत किया तो अच्छे नंबर आए और कोटा में बैंक में नौकरी लग गई। कोई बात नहीं, मेहनत करने वाले को ही इज्जत की जिंदगी मिलती है। जी सर, और आज आपसे मिलने का अवसर मिला। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इंद्रदेव। राम सर, इंद्रदेव राम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी बात की दिक्कत हो तो फौरन बताना। अब आप दोनों लगन से काम करें और हमारे दोस्त के चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ लाएं। जी अंकल। बस सुशांत, वेट नहीं कर सकते एक मिनट? भूख लगी है यार। अरे दीपक को आने दो, वो आके खा लेगा ना, मेरा भूख हड़ताल क्यों करवा रही है? डब्बा खोला तो ठंडे हो जाएंगे पराठे। ओहो, तो इतना यार आना है, अब तो वो अमेरिका जाने वाला है, फिर किसको खिलागी गरम पराठे? फिर तो मैं ही बचूंगा ना, पराठे भी मेरे। और चल चल शक्ल देखिए। क्यों, तुम्हारे दीपक जी से भी बुरी है क्या? दीपक कुमार, आपको एसटीएम में जूनियर लेक्चरर के पद पर अपॉइंट करते हुए हमें बड़ी खुशी हुई। मुबारक हो। थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू। रहता है वो, पहले बोलना था ना तू ऐसी गली में रहता है जहाँ मेरी गाड़ी घुस नहीं सकती। अरे मैंने तो हेलीपैड बनवाया था अपने छत पर तेरे लिए यार, मुझे क्या पता था तू अपना हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से आएगा। अरे आ भी जाता मगर तेरी पूर्वी जी को डर लगता है मेरे साथ फ्लाइंग करने से। सुशांत ठीक से चलना तो आता नहीं, उड़ने की बात करता है। सर का हाथ जरा जल्दी चलाना। शांति बुआ कैसे हैं? बस अच्छे हैं। जब दावत का टाइम आ गया तो भूल गए नेताजी को? अरे नहीं, वो बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं। नमस्ते आंटी। खुश रहो, दीपक को नौकरी लग गई ना इसलिए। आंटी ये तो टेम्पररी है, असली नौकरी तो अमेरिका से पीएचडी के बाद लगेगी। नौकरी तो हम सबके लगेगी बाबू साहब, अब ज्यादा टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मंडल कमीशन का 27% कोई नहीं रोक सकता। कहां से आएगा 27% और किसको मिलेगा? नमस्ते नेताजी, आइए बैठिए। नमस्ते तो हमारा ले लो भैया। अरे तुम तो मिसाल हो हमारे दलित समाज के, और धन है वो प्रिंसिपल साहब की अपनी जात पात से ऊपर उठ के मदद करते हैं दलित और पिछड़े बच्चों की। ऐसी बात नहीं है नेताजी, वो सबकी मदद करते हैं।
परम सत्य कहा आपने दीपक जी, हमारे प्राचार्य महोदय के हृदय में सबके लिए करुणा है और वो सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। अवसर प्रदान करते हैं इसका मतलब वो सबको मौका देते हैं। हाँ तो मौका बोलना यार। मेरा तात्पर्य वही था। सुना आप लोगों ने, पंडित जी का तात्पर्य क्या था? मौका 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 मौका। पंडित जी कितना मिला? 85.3% पूर्वी जी। वाह तो आपकी तो इंजीनियरिंग की सीट पक्की, बधाई हो जी। धन्यवाद। जिंदाबाद सर। बोले बाबा सर, बधाई हो सर, आपको बधाई हो। तीन दिन को शुरू कर रहे हैं। 4 मेरिट लिस्ट 18 को डिस्टिंक्शन सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। भगवान है सर आप, डबल फेल को पास करा के बेड़ा पार करा दिए मास्टर साहब, हम तो धन्य हो गए। अब आगे आपके भाई साहब बेड़ा पार लगाएंगे। एसटीएम छोड़ के कहीं एडमिशन नहीं लेंगे सर। सर आप तो प्रोफेसर है ना, कोई सिफारिश लगाइए, जो कुछ लगेगा हम दे। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। एसटीएम में एडमिशन नहीं मिला तो लाइफ बेकार है सर। सर ये सुसाइड कर लेगा सर। तो मंत्री जी बचा सकते हैं इसको। आइए। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए बैठिए। दीपक कुमार और कमलेश नारायण, ये दोनों जूनियर लेक्चरर्स का आप सबसे परिचय करवाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही। मिल लो सबसे। नमस्कार अनुराग पाल सर, स्वागत है। वेलकम। क्यों यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं मिस्टर दीपक कुमार? कोटे का इस्तेमाल कीजिए, सरकार खैरात में नौकरी बांट रही है आप लोगों को। खैरात तो आप खाते रहे सर, हमारा हक हमसे छीन कर। अब बांटना पड़ेगा तो तकलीफ तो होगी ना सर। शिक्षा मंत्री हो तुम, सरकार तुम्हारे हाथ में है और अपने इकलौते भांजे को एक सीट तक नहीं दिला सकते। अरे भाई रुको ना, 2 मिनट रुको ना, करवा रहे ना। इम्पॉसिबल है सर, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसा भी क्या है वर्मा जी? सर प्रिंसिपल प्रभाकर आनंद ने पिछले 35 सालों में अपने बलबूते पर वहाँ के टीचर्स, डिपार्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है सर। वहाँ तो सरकार की भी नहीं चलती। अब पिछले साल होम सेक्रेटरी की बेटी को नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, फिर तो मिलना होगा इन प्राचार्य महोदय से भाई। सर एसटीएम ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं अनिरुद्ध प्रसाद, उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ करिए बात। 10,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं इस बार। हेलो, पहली कट ऑफ लिस्ट ही 94% पे खुलेगी, आपकी बेटी के है 76%। असंभव है नवनीत जी। इतना बाल कमा के बैठे हैं आप सचिव पद पे, कब काम आएगा वो? कहीं से भी एक सीट खरीद के दिला दीजिए अपनी बेटी के लिए। अनिरुद्ध भाई आए हैं, साथ में मंत्री जी भी हैं। हाँ ये है हमारे शिक्षा मंत्री बाबूराम जी। नमस्कार। बहुत अच्छा रनिंग करते हैं आप भोरे भोरे प्रिंसिपल साहब, तभी ना पूरे कॉलेज को एकदम फिट करके रखा हुआ है। क्या मार्क्स हैं आपके भांजे के? नंबर थोड़ा कम रह गया, लेकिन हमारे खानदान में तो 40 के ऊपर कभी किसी का कुछ आया नहीं भाई। ये तो धन्यवाद कहिए के कोचिंग का, ऐसा रगड़ा लगाया, रट्टा मार के लड़का लेके आ गया 52.07%। माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, हमारी बहन का इकलौता लड़का है, अब जिद पकड़ के बैठ गया है, या तो एसटीएम या फिर। अब आप मुझे क्षमा करें, सुबह का कुछ काम रहता है। अनुरोध बाबू, मंत्री जी का ख्याल रखिएगा। सर सुनिए तो सही, अच्छा यहाँ चल रहा है सर का मॉर्निंग कोचिंग सेंटर आ? पर भाई बरामदे में काहे लगाकर बैठ गए? हमारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड जगह है ना, वहाँ ना चलाइए आप, आपके नाम पे तो हेट हो जाएगा सर, साला पैसा पीट के रख देंगे आप वहाँ। मंत्री जी हमें अच्छी तनख्वाह मिलती है यहाँ, अब फिर हमारे कॉलेज में क्लास के बाहर प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग देना सख्त मना है। इका सब फ्री में चल रहा है? आइए आइए। नाराज हो गए क्या सर? नहीं नहीं कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं बात कर लूंगा। अरे भाई आप लोगों को एडवाइस देते हैं सीट खरीदने का, अपने कॉलेज में काहे नहीं लागू कर देते ये फॉर्मूला। <laughs>
जी आप, अरे हमें बुलवा लिया होता। दामोदर सेठ, आप सीनियर ट्रस्टी हैं एसटीएम के, आपको करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हम हर साल दिलाते हैं अपने डिपार्टमेंट से, और आपके कहने पर भी ना कर रहा है प्रिंसिपल। मंत्री जी प्रॉब्लम तो यही है, एडमिशन के मामले में सारे पावर्स उसी के हाथ में। मतलब टोटल नेगेटिव। अरे भाई, लड़का नंबर नहीं लाया है तो पैसा ले लो, उसका करियर काहे बर्बाद करते हो, और बैठे बिठाए कॉलेज का करोड़ों का नुकसान, ये कहां का एजुकेशन है? आप चिंता ना करें। अरे कैसे चिंता ना करें भाई, हमारे भांजे के करियर का सवाल है। देखिए, हम सीएम साहब से डायरेक्ट फोन करवाएंगे आपकी ये फाउंडर मेंबर शकुंतला ठकराल जी को। सीएम साहब ने उन्हीं की पार्टी से राजनीति शुरू की थी, उनको ना नहीं बोल पाएगा ये प्रिंसिपल। बाबूराम जी, शकुंतला ताई तो 32 वर्ष पूर्व ये कॉलेज राजनीति सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश एक आश्रम में रहती, संपर्क भी नहीं रखा। देखिए आप चिंता ना करें, अपने भांजे का एडमिशन हम पर छोड़ दीजिए, हमने चेयरमैन साहब से बात कर लिया है, इस बोर्ड मीटिंग में उस प्रिंसिपल का बैंड बजा देंगे। अपना आदमी बैठाओ दामोदर सेठ, बहुत कुछ हो सकता है, एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। पेड सर्विस विदाउट गारंटी, स्टूडेंट मर मर के फीस भी देगा और रिजल्ट की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। आपने तो हम ट्रस्टीज को बस एक रबर स्टैम्प बनाकर रख दिया प्रिंसिपल साहब। दामोदर जी, एजेंडा तो एक तरह तो आप 52-54% वाले 11 लड़कों, गरीब और पिछड़े वर्ग के नाम पर एडमिशन दे रहे हैं और हमारी एक भी सिफारिश नहीं मान रहे। दामोदर जी, रिजेक्ट कहाँ किया है, विचाराधीन है अभी सारे एप्लीकेशन। हमारे विचार से तो उन्हें रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। आप बताने की कृपा करेंगे क्यों? देखिए, जिन 11 बच्चों की बात आप कर रहे हैं वो सब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बिना किसी अच्छे साधनों के, बिना ट्यूशन और कोचिंग के भी ऐसे नंबर लाए हैं। उनकी तुलना अगर आप किसी मंत्री, अफसर या ऐसे समृद्ध परिवार के बच्चों से करते हैं जिन्हें अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, अच्छी सुविधाओं के साथ साथ ट्यूशन और कोचिंग भी उपलब्ध है, उसके बाद भी वो केवल 52.07% नंबर लाते हैं, यानी 52.07% नंबर लाते हैं, तो आप ये बताइए कि मैं किस हिसाब से उन्हें लायक समझूं? आप किसी भी कमजोर डिजर्विंग बच्चे की सिफारिश करें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वाह, क्या मार्मिक भाषण दिया है आपने प्रभाकर जी। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि एसटीएम एक प्राइवेट ट्रस्ट का कॉलेज है जिसे हमने अपने समाज और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। ये दलितों, पिछड़ों और मंडल कमीशन के लिए सरकार जिंदा है। माफ कीजिएगा दामोदर जी, आपके विचार एसटीएम के सिद्धांतों के लिए घातक हैं। एसटीएम की स्थापना इस सोच के तहत की गई थी कि यहां हर योग्य विद्यार्थी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, भले वो कोई भी जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय का। अगर आप लोगों ने इस विचार के विपरीत चलने का इरादा कर लिया है तो मुझे खेद है कि मुझे आपके साथ छोड़ना पड़ेगा। अरे प्रभाकर जी, हम कहां आपसे अलग सोच रहे हैं। दामोदर जी का तो बस इतना ही कहना है कि ट्रस्टी कोटे का भी आधार किया जाए। नोटेड। दूसरा प्रस्ताव है कामता प्रसाद की जगह परमानेंट वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करना। क्षमा करें, इस बात को अभी लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कामता प्रसाद हैं और फिर दिनकर पासवान की अच्छी जिम्मेदारी कर रहे हैं ये। प्रभाकर जी, कहीं अब आप दिनकर पासवान को एसटीएम के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर परमानेंट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? उनसे सीनियर और अधिक क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं यहाँ। मेरा प्रस्ताव है कि वाइस प्रिंसिपल के लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर मिथिलेश सिंह ही रहेंगे। हाईली क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड, मेरा पूरा समर्थन है, बुलाइए जी। आइए मिथिलेश जी, आपको एसटीएम का वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश नहीं करूं। मुबारक हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। भरोसा रखिए। वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे भांजे के एडमिशन के लिए धन्यवाद। आइए। बस मंत्री जी, आपका आशीर्वाद है। अभी तो आप देखते जाइए आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे हम जी। अभी कितने कोचिंग सेंटर चलते हैं आपके मिथिलेश जी? जी 7। हाँ तो 27 करवा दे तो कैसा रहेगा बताइए। जी जी मंत्री जी, अपने हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में के कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में। अपने आगरा रोड वाले 110 एकड़ पर यूनिवर्सिटी का प्लान आ चुका है। ये देखिए, सरस्वती सेंटर ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास मेडिकल, कॉमर्स हैं,
इंजीनियरिंग, आईटी, साला हर सब्जेक्ट का कॉलेज, 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप तो बस शिक्षा का एम्पायर खड़ा करिए वहां पर। कल लगे सर, भोले भवन चाह तो पक्का हो जाएगा। साल भर के अंदर सरस्वती को स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे और उसके बाद पब्लिक से कम 5000 करोड़। जय भोले बाबा की। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं। जी मैं अपने विज्ञान के ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं। और इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस कौन करेगा? प्रवेश पाने से वंचित रह गया मैं पूर्वी जी, 1% से। पर तुम तो मेरिट लिस्ट में आ गए थे ना? जी, मेधा सूची में आखिरी क्रमांक पर था, पर आरक्षण की वक्र नीतियों ने मेरा स्थान छीन लिया मुझसे। कुछ शेष नहीं बचा पूर्वी जी, नष्ट हो गया जीवन। शांत हो जाओ पंडित, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला तो निराटक है जीवन। अभियंता नहीं तो सड़कों पर झाड़ू लगाऊंगा पूर्वी जी। नहीं पंडित, तो ये तुम्हारे पास कहां से आई? नींद की गोलियां? आत्महत्या करेगा है? बड़ा डेंजरस लड़का है ये, तो जेल भिजवाएगा हमको। पकड़ो इसको, पकड़ो। ये क्या हो रहा है सर? आप लोग ऐसे कैसे चले आ रहे हैं? एक्चुअली इट्स अ बिट अर्जेंट, हम एसटीएम से हैं और मैं प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभाकर की बेटी हूँ। ओ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर इनजस्टिस, सर मेरा मतलब आप इस इनजस्टिस को रोक सकते हैं सर। सर एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट लिस्ट में इनका नंबर 49 था, पर एस सी एस टी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में जाने से ये एक नंबर पीछे चला गया और अब देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इट्स जस्ट बैड लक। बैड लक? सर इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी सर, सुसाइड की तैयारी में। सॉरी लेकिन नियम यही है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में कंप्लीट कर जाता है तो उसकी सीट वहीं से मिलेगी। सर भले ही रिजर्व कैटेगरी में एक सीट सर खाली रह जाए। नियम ऐसे ही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर इसके पिता हमारे कॉलेज में चपरासी है, बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत से पढ़ा है ये। मैं समझ सकता हूँ, बट दिस इज अ सिस्टम। टू हेल विद द सिस्टम सर। व्हाट? कुछ नहीं सर, थैंक यू। देखो दिल छोटा मत करो, पद्मावती इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। मगर सर वहाँ की फीस 5 लाख है पिताजी, अग्रिम जमा करना पड़ता है। हमारा तो पीएफ भी। तुम चिंता मत करो, अप्लाई करो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैं सिफारिश करूँगा, द्वारकादास फाउंडेशन को सिफारिश कर दूंगा सर। अरे पंडित जी, किस पाप का बोझ लाद रहे हैं आप हम पर? प्रणाम। भगवान है सर आप हमारे लिए। सुशांत बेटे क्या कर रहे हो तुम? तुमने फिर अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लिए? डैड क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे जामिया जाना है, मास्कों का एंट्रेंस दे चुका हूं मैं। और आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा? ऑफ कोर्स डैड। बेटा ये जामिया छोड़ो, कॉमर्स कर लो, और वैसे भी बिजनेस तो करना ही। डैड आई डोंट वांट बिजनेस, मैं मास्कॉम ही करूंगा। फिर तो आपको जामिया छोड़ना ही पड़ेगा, वहां की एडमिशन लिस्ट आ गई है और आपका नाम नहीं है वहां। 51.5% सीट्स तो रिजर्व्ड है वहां। आपको क्या लगता था कि आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा वहां? मगर मैंने बहुत मेहनत की थी डैड, इंटरव्यू भी अच्छा गया था। बेटे सरकारी इंस्टीट्यूट्स तो तुम भूल ही जाओ, कोटा राज चलता है वहां। जल्दी करना होगा, 3-3 क्लासेस हैं मेरे। तो फिर लेट हो गया, आज शर्मा सर क्वांटम पे नोट्स दे रहे थे। श्रीवास्तव सर के पेपर्स पढ़ लेना, क्वांटम पर सबसे अच्छे नोट्स उन्हीं के हैं। क्या हुआ? अरे ले तो आधा ले ले, 50-50। 50% ही क्यों छोड़ रहे हो, पूरा ही रख लो तुम लोग। 100%। क्या बोला तुमने? वही जो तुमने सुना। आखिर आज वो ऐतिहासिक फैसला आ ही गया, पिछले 60 साल से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 22.5% आरक्षण तो था ही। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर बने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कानून पर जो ग्रहण लगा था उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाकर दूर कर दिया। अब अपने देश में ऊंची शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुल मिलाकर 49% आरक्षण है। जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण से पूरे देश में गहरा संतोष और असंतोष दोनों है।
ऊंची जाति कहे जाने वाले समाज में इसको लेकर काफी चिंता है। मैं कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ। क्या होगा, हमारा काम जब वो करेंगे तो उनका काम हमें करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर जूते पॉलिश करेंगे हम लोग, और क्या होगा। टोटल कलयुग आ गया है, वही होगा। हंस चुगेगा दाना घुमका, कौवा मोती खाएगा। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। मेरिट के साथ, मेरिट के साथ, मेरिट के साथ। भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक हमको कभी बगल में बैठने का मौका नहीं दिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक है। इनके झांसे में मत आना। अरे इनका बस चले तो ये कोई बदलाव होने ही ना दे। अरे चलिए और बोरिया बिस्तर समेटिए, अब इनका ही राज चलेगा भाई। सिक्योरिटी, गेट बंद करके लॉक करो। लॉक करो तुरंत। यही तो प्रॉब्लम है इस देश में, आजादी है आपको, जो चाहे नौटंकी कीजिए। कर ये लोग हमारे गेट पर डांस तमाशा करने आए। Disgusting. क्या कर रहा सब? तुरंत पुलिस फोर्स भेजिए यहाँ। इस टीम में हजारों की संख्या में लोग दंगा करने आए, तुरंत फौरन। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है सर, ये लोग तो अभी चले जाएंगे। हाँ वो तो जाएंगे ही, ऐसे नहीं तो लात खा के। दूसरी भाषा समझते क्या है आप लोग? कोशिश मत करना, बैल हाँकना भूले नहीं हम, अब तक बहुत महंगा पड़ेगा। शट अप। इट्स ओके सर, अब जा सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे लोगों को अंदर आना। सर एक मिनट सर। Get inside. सर प्लीज सर। Get inside. किस तरह की डिस्टरबेंस थी? Come on. सब असेंबली में इकट्ठा होंगे अभी।
पुलिस को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था पुलिस को? जिस तरह से गेट पर दंगे की स्थिति बनी हुई थी, मैंने इस कॉलेज में आज तक कभी भी पुलिस नहीं बुलाई गई, और मुझसे पूछे बगैर आप दोबारा ऐसा कभी करेंगे नहीं। हालात काबू। नेवर, नेवर अगेन। Am I understood? Yes, sir. मैं कभी किसी भी अनुशासन तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सभी बच्चे जो अभी इस कॉलेज के गेट के बाहर पुरदंग मचा रहे थे, उन सब का नाम चाहिए मुझे। You will never do this again. आप लोगों ने इस महाविद्यालय की मर्यादा को तोड़ा है। सुशांत सेठ, दीपक कुमार, आप दोनों की इरिस्पॉन्सिबल हरकत की वजह से इस कॉलेज का सर नीचा हुआ है। सर, गलती इन लोगों की। एक मिनट, लिसन टू मी। सर, मैं बाहर के। लिसन, लिसन टू मी एंड लिसन केयरफुली। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आप दोनों को और आपके साथ जो भी थे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस हूलिगनिज्म। मुझे कोई हिचक नहीं होगी आप दोनों को इस कॉलेज से निकालने में। क्या है ये? योगा क्लासेस की टिकट्स। मैं बिजी हूं। इवनिंग शो है बाबा। प्लीज। भूल नहीं सकते क्या जो भी हुआ? हजारों साल की कहानी है पूर्वी, हर रोज अनगिनत बार दोहराए जाते हैं। मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। हे, कॉर्नेल का मेल है। तुम्हारा पेपर एक्सेप्ट हो गया। तुम अमेरिका जा रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। साला इतनी भी आजादी नहीं कि खुल के अपनी खुशी मना सके। धिक्कार है हमारे लाइफ पर। धिक्कार है कि छोड़ दिया सुशांत को। मगर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। अबे चुप! अब क्या हल्ला बोल रहे हो बे क्रांति का? इतिहास लिख तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जितना कूदना है कूद लें। ऊंचा जात वाले, कोई नहीं हिला सकता है 27% का खूंटा। ठोक दिया। हाँ, कल सुबह पता चल जाएगा, देख लेना। ओ गॉड, किसने किया ये? किसने लिखा ये? हाँ, किसने लिखा ये? है हिम्मत तो सामने आओ। नहीं मानेंगे ये लोग। डरपोक साहब के जैसा डस के बिल में घुस जाते हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसने भी किया है गलत किया है। छोटू, पानी ले एक बाल्टी। इसको मिटाने की क्या जरूरत है मिस्टर दीपक कुमार? इसको बस थोड़ा बदल दीजिए। आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। खैरात हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पिछले 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। अच्छा, हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हमने आज तक और किया क्या है? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहा है और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहा है। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं? आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे जलाए, जूते से बैल हाके नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? ठीक कहा आपने, उसी काबिल है आप। उतनी ही औकात है आपकी और यही खटिए आप। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है और जो काबिल होगा उसी को मिलेगी जगह। मगर आप लोगों को तो सब कुछ फूंक करना चाहिए। सच तो ये है कि कंपटीशन से डरते हैं आप। किस कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम? वही जो आपने हमें कभी करने ही नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो हमें छांट कर अलग लाइन में बिठा दिया।
स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख सुविधा के सारे तंत्र तुम्हारे। पता है तुमने क्यों नहीं दिया हमें मौका कॉम्पिटिशन का? क्योंकि तुम डरते हो बराबरी के कॉम्पिटिशन से, हम नहीं। इतिहास की यानी अपनी कमजोरी मत छिपा तुम लोग। हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट, जो नहीं है तुम्हारे पास। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, मगर रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए सबके लिए। जाओ पहले अपने बाप से कहो अपनी पुश्तैनी हवेली को छोड़कर हमारे पास आकर बस्ती में रहे, और रोज सुबह कंपनी की वर्दी चढ़ाकर ड्राइवर, दरबान या चपरासी की नौकरी पर जाए। अपनी माँ से कहो कि अपने एयर कंडीशन आशानी से निकले और हमारी माँ के पास आकर घर घर झाड़ू बर्तन करें। अपनी बहन से कहो कि रोज सवेरे आँख खुलते ही मोहल्ले की म्यूनिसिपैलिटी के इकलौते नलके से एक घड़ा पानी भर कर लाए। आओ हमारे साथ, हमारी जिंदगी चखो, फिर बात करो। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, और जब तक नहीं करते अपनी बेहूदी बकवास अपने पास रखो। दी गई सख्त और आखिरी चेतावनी के बावजूद आज फिर आपने एक घटिया हरकत की। जाहिर है अपने कॉलेज की मर्यादा का आप आदर नहीं करते। सुशांत सेठ, मैं आपके इस अभद्र आचरण के लिए एसटीएम से आपको रस्टिकेट करता हूं। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कोई मिसबिहेवियर नहीं किया है, बल्कि कल भी मैं उनको सर रोकने का ही प्रयास कर रहा था और आज भी वही कर रहा था। सर वो लोग हंगामा करें, हमारी प्रॉपर्टी खराब करें, हमें गालियां दें, एसटीएम के सम्मान के धज्जियां उड़ाते रहें, तो हम चुप नहीं बैठ सकते सर। और आप कब से यहां के सिक्योरिटी चीफ और मॉरल गार्डियन बन गए? अगर किसी तरह की शिकायत थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? सर उसका कोई फायदा नहीं होता। सर आप कभी दीपक कुमार के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, सबको पता है सर। What? Out. Get out of here. Now! सर आप भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी लाइफ से खेल रहे हैं। सुशांत क्या हुआ? Get lost. सर किसी के भी साथ, खास करके वाइस प्रिंसिपल जी के साथ, कतई मेरा इरादा नहीं था किसी तरह की विवाद में उलझने का, लेकिन जिस तरह की बातें वहां की गई मेरे लिए चुप रहना मुश्किल हो गया सर। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपको? हमारी पहचान सर, सुशांत और मिथिलेश जी लगातार हमारी जात, हमारे लोगों का इंसल्ट कर रहे थे। आपके लोगों को? ये जात पात वाली पॉलिटिकल भाषा आप कब से बोलने लग गए? आप एक शिक्षक हैं जिसे इन सब चीजों से ऊपर होना चाहिए। ये आपके लिए कहना आसान है सर, लेकिन मेरा जन्म मेरे लिए कोई और विकल्प नहीं छोड़ता। सदियों से गालियां और अपमान ढोते रहे हम, बस अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। विश्वास नहीं होता कि यह भाषा एक शिक्षक की है। आप लगातार एसटीएम के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। अनुशासन? सर बाहर सारा समाज एक ऐतिहासिक उथल पुथल से जूझ रहा है और आप बस सोच रहे हैं अनुशासन। इस तरह बात नहीं करेंगे आप मुझसे। ठीक है सर, लेकिन आप मेरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका स्टैंड क्या है सर? मैंने आपको यहां बहस करने के लिए बस अब आप और इस प्रश्न को टाल नहीं सकते हैं सर, क्योंकि अगर आप आरक्षण के साथ नहीं हैं, तो आप उसके खिलाफ हैं। बीच का सुरक्षित रास्ता बचा नहीं सर। What is your position? I do not have to explain my position to you. और इस बिहेवियर के लिए मैं आपके ऊपर अनुशासनिक और मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूं ऐसी जगह से जहां मुझे खरी बात बोलने के लिए सजा मिलेगी और उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो एसटीएम के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये देखिए, आपके वाइस प्रिंसिपल खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं, मगर उनको सात खून माफ है सर। आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? Are you trying to accuse me
of being a casteist? धन्यवाद आपका हमारे बारे में सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जा सकते हैं यहां से और दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश कीजिएगा मत कभी नहीं सो लीव लीव फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम्हें चल के मेरे बाबा से माफी मांगनी पड़ेगी यही बोलने के लिए इस बारिश में आई हो तुम समझते क्या हो अपने आप को हाउ डेयर यू टॉक टू माय फादर लाइक दैट कोई मेरे बाबा को चोट पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी चाहे वो तुम भी क्यों ना हो चोट क्या होती है जानती हैं या फिर आपका भी वही तरीका है कि पहले चोट दो फिर उसी से माफी मांगवाओ यकीन नहीं होता कि तुम इस तरह बात कर सकते दीपक कुमार तुम जो कुछ भी हो मेरे बाबा की वजह से हो यू ओ एवरीथिंग टू हिम ये बात तो सही है मैं उन्हीं की वजह से हूं और कुछ भी कर लूं मैं चुका नहीं सकता लेकिन आज पता चल गया है कितना बड़ा बोझ है मुझ पर वाह तो मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए वो सब कुछ बोझ बन गए तुम पर भूल गए तुम कि सालों तुम्हारी हर परीक्षा पर रात भर तुम्हें पढ़ाते रहे और कुछ नहीं भूला मैं लेकिन मुझे लगता है वो जो भी करते हैं बस चैरिटी करते हैं और चैरिटी से समाज का असली बदलाव नहीं हो सकता पूर्वी ठंड से ठिठुरते भीख मंगू को कंबल दान कर तुम अपनी मन की गरीबी को दूर कर सकती हो उनकी नहीं मैं तुम्हारी बहस सुनने नहीं आई हूं तुम बाबा से माफी मांगोगे या नहीं मैं तुमसे पूछ रही हूं माफी मांगोगे या नहीं ठीक है तो फिर एक बात तुम भी समझ लो मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती कभी नहीं सांसे अलबेली सांसे अलबेली सांसे अलबेली सांसे अलबेली कौन सी डोर खींचे कौन से काटे अलबेली कह काए मोहे बाटे रे कौन सी डोर खींचे कौन से काटे रे
चुन बीज रचाए की क्लास है सर वाइस प्रिंसिपल सर की अभी आते ही होंगे आप सब लोग अपने नोट्स देखें तब तक सर वो नहीं आएंगे सर वो कभी कभी ही आते हैं पिछले तीन हफ्ते से तो एक बार भी नहीं मिथिलेश सिंह कहाँ मिले सर उनकी क्लास चल रही है इधर यस सर बाय 12 इज इक्वल टू 460.6 ml राइट आप लोग इसके उत्तर अपने गेस्ट पेपर्स में देखिए सर वो मेरे भाई की क्लास थी वो आज बीमार पड़ा है आई वॉज ओनली trying to help. आप पूछ लीजिए आप कॉलेज में रिपोर्ट करें एंड कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस सर आप कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस प्रभाकर जो कुछ करना है वो ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना होगा एसटीएम के सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ आप व्यावसायिक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं मिथिलेश सिंह आप गलतफहमी के शिकार हैं सर पहली बात तो ये कि के कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां सुबह आपका आगमन हुआ था उसका मालिक मैं नहीं मेरा चचेरा भाई है कृष्ण कुमार के
और दूसरी बात ये कि आप भी तो अपने घर के पिछले बरामदे में कोचिंग देते हैं, तो फर्क क्या है? आप जैसे लोग इस अंतर को नहीं समझेंगे कि मेरे बरामदे में क्लासेस वजह से होती है कि हम अपने कॉलेज के अंदर कमजोर बच्चों के लिए अलग से मदद नहीं कर पाते, जबकि आप जैसे टीचर जानबूझकर क्लास लेते नहीं और मुनाफे के लिए विद्यार्थियों को मजबूर करते हैं प्राइवेट कमर्शियल कोचिंग के लिए। एंड दैट मिस्टर मिथिलेश सिंह इज द डिफरेंस। हम कॉलेज के लिए काम करते हैं और आप कॉलेज के खिलाफ। आपको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए। प्रभा 7 days 7 दिन के भीतर जवाब चाहिए मुझे। जवाब तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा डॉक्टर प्रभाकर आनंद सर। प्रभाकर ये क्या कर रहे हो तुम यार? वही जो तुम्हारे बोर्ड ने 11 वर्षों से नहीं किया। अगर तुम लोगों ने मेरे रेमेडियल क्लासेस के प्रस्ताव को मान लिया होता और अपने कॉलेज के अंदर कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था कर ली होती तो के कोचिंग जैसे राक्षस नहीं खड़े होते। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को निगलते चले जा रहे हैं। लेकिन तुम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है प्रभाकर, और तुम ये जानते हो। खैर ये एसटीएम तो एक प्राइवेट कॉलेज है, सरकार तक नहीं करती ये। तो क्यों नहीं करती वो? क्यों नहीं अपनी सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा पर वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करती? क्यों इस देश में आईएएस आईएफएस मेडिकल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग हर तरह के टैलेंट को हम लुभावना करते जा रहे हैं और जो इन सबको तैयार करता है उसे निग्लेक्ट करते हैं हम? आईएएस आईएफएस की तरह व्हाई डोंट वी हैव एन आईटीएस एन इंडियन टीचिंग सर्विसेज टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फॉर द जॉब। अनिरुद्ध बाबू, शिक्षा की ये पैरेलल कमर्शियल व्यवस्था जो कोचिंग और कैपिटेशन के आधार पर तेजी से पनपती जा रही है नष्ट कर देगी सब कुछ। वाइस प्रिंसिपल मिथिलेश सिंह को, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने पापा थोड़ी देर पहले मिथिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला था, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा आपके बारे में, शायद इसलिए दैनिक भास्कर के एडिटर अरविंद कमल जी आए हैं। अंदर बैठे। आपके वाइस प्रिंसिपल मिथिलेश सिंह ने आप पर तानाशाही का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने जब इसका विरोध किया तो आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट बेटी, सस्पेंड नहीं किया अब तक, कॉलेज के नियमों को लगातार तोड़ने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है। कौन से नियम तोड़े उन्होंने? अरविंद कमल जी, अपने द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों की सफाई मैं एक अखबार के जरिए देना उचित नहीं समझता। पर उनका आरोप बहुत गंभीर है प्रभाकर जी। एसटीएम एक प्राइवेट कॉलेज है जहां आरक्षण का नियम लागू नहीं होता, लेकिन उनका कहना है कि आपकी एडमिशन पॉलिसी ठीक वही कर रही है। निर्धारित कट ऑफ परसेंटेज को ताक पर रखकर बैकवर्ड और दलितों को आप बैकडोर एंट्री देते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरी जिम्मेदारी हर बच्चे के प्रति समान है। जितना गर्व मुझे अपने समृद्ध और सफल छात्रों पर है उतनी ही चिंता मुझे अपने गरीब और कमजोर बच्चों के प्रति भी है। इस देश में 2 भारत बसते हैं अरविंद कमल जी, और सही मायनों में अगर हम पूरे समाज की तरक्की चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे मिटाना ही पड़ेगा। पर क्या जाति के आधार पर आरक्षण ही एक तरीका है इसके लिए? अगर हम मानते आए हैं कि सदियों से शोषण जाति के नाम पर हुआ है तो उसका उद्धार भी तो जाति के आधार पर ही होना चाहिए। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने जात पात को कभी पूछा नहीं, जिन्होंने मेहनत से अच्छे रिजल्ट हासिल किए पर अब शायद आरक्षण की नई पॉलिसी को लेकर उन्हें सीट ना मिले? आज हर शिक्षक, हर कॉलेज और सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ तो वो उस पिछड़े वर्ग के बच्चों को अवसर दें, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करें, और दूसरी ओर उस वर्ग के बच्चों की पीड़ा को समझें जो इस व्यवस्था की वजह से अपने आप को डिसएडवांटेज महसूस कर रहे हैं। जाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं,
आप जिस उत्तर की मांग कर रहे हैं अरविंद कमल जी, वो आपको मैं आपके ही शब्दों में तो नहीं दूंगा। हाँ, इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस फैसले को बिना किसी राजनीति के पूरी ईमानदारी के साथ माना जाए तो ये समाज के लिए हितकर होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आरक्षण की ये पॉलिसी प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में भी लागू की जाए, जैसे कि एसटीएम? इस पर कमेंट करने का अधिकार मुझे नहीं है। धन्यवाद। बाप, आपको नहीं लगता कि इस आरक्षण की पॉलिसी से नुकसान होगा? क्या कहना चाहती हैं? आप कहते हैं पिछड़ों को उठने का मौका मिलेगा, हमारे बीच का अंतर कम होगा, समानता आएगी। वो तो ये रहा है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, लेकिन ये तो होगा। जब भी समाज में परिवर्तन हुआ है, कीमत तो उसकी चुकानी पड़ी है ना बेटा। कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारी सोच सही ही हो। सबों को समान अवसर देने में गलत क्या हो सकता है? गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है। मतलब? अगर तुम सचमुच पिछड़ों को उठाना चाहते हो तो उनको बेहतर से बेहतर प्राथमिक शिक्षा दो, अलग से स्कूल्स खुलवा दो, बड़े से बड़े हॉस्टल्स बना दो, स्कॉलरशिप्स दो, जितनी सुविधाएं देनी है दो, और उनको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करो। ये आरक्षण का कानून क्यों बनाते हो? जो तुम कह रही हो वो तो होना ही चाहिए, और यही हम ठीक से कर नहीं पाए पिछले 60 वर्षों से, इसलिए आरक्षण और भी जरूरी हो गया। देश की वो आबादी जो केवल अपने जन्म के कारण पिछड़ी हो, उसके लिए मौके की कम से कम एक खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। देखो, मैं एक माँ हूं, भारत माता नहीं। मैंने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसकी चिंता पहले करूंगी, वही मेरा धर्म है। और अगर कोई नियम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो वो गलत है। बस अच्छा, थैंक यू। चाल बिल्कुल सही पढ़ी मिथिलेश जी, प्रिंसिपल ने आरक्षण के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया। बस देखते जाइए आप लोग, सड़क पे लाके भीख न मंगवाए उससे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। हाँ, मगर आप लोग ये आरक्षण के मामले को हल्के मत लीजिए। बाबू राम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल कैटेगरी में सीटें घटेंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कोचिंग और प्राइवेट कॉलेज ही तो काम आएंगे। मंत्री जी, ये शाइनिंग इंडिया है, यहाँ ऊंची शिक्षा के लिए ऊंचे लोग कोई भी ऊंची कीमत देने को तैयार है। आरक्षण से एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी में भी वही आगे बढ़ेगा जिसके पास माल होगा। फिर चीयर्स। 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 क्या है ये? ये शब्द मेरे नहीं है। तो क्या तुमने नहीं कहा कि तुम आरक्षण को सपोर्ट करते हो? एक शिक्षक के नाते मैंने अपने व्यक्तिगत विचार जरूर रखे थे, लेकिन एसटीएम के लिए व्यक्तिगत? आपके विचार तभी तक व्यक्तिगत हैं जब तक आप कुछ बोलते नहीं हैं। आप एसटीएम की आवाज हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे उसे एसटीएम की पॉलिसी समझा जाएगा। तुम्हें यह स्टेटमेंट वापस लेना होगा प्रभाकर, तुम आरक्षण को सपोर्ट करते हो यह बयान तुम्हें वापस लेना होगा। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता अनुभूत। मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर और विश्वास के साथ कहा है। गलत समझ रहे हो तुम लोग। गलत ही तो समझते रहे हैं आज तक, मगर बोल देना इस कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। हमको कॉलेज से निकाल दिया, हम चुप रह गए, मगर ये छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडमिशन सारा कैंसिल होगा और हमारा सीट काट के कोटा घुसाने वाले हैं ये लोग। देखिए, मैं समझता हूँ, एक बार फिर प्रभाकर जी से बात कर लेनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आप देखने सुनने के लिए बाकी क्या रह गया? अरे ट्रस्ट का इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए और निजात पाइए इस कमेटी से, बहुत हो गया। दामोदर जी, इतने बड़े एक्शन का परिणाम एसटीएम की रेपुटेशन पर भी पड़ेगा। अरे आप देख क्यों नहीं रहे भाई, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारे साथ। दामोदर जी, देखिए मैं एक बार फिर से बात करके देखता हूँ उनके साथ। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ सनी, कब हुआ ये?
तुम बेटा अपनी माँ को संभालो, मैं अभी आ रहा हूँ। हरे ओम द्यौः शान्तिरं तारिक्षैवं शान्तिः पृथिवी आज एक ट्रस्टी की हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते तुमसे कह रहा हूं, आज तक मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला, कभी नहीं, लेकिन आज एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लो। सोमवार को सुबह 10 बजे ट्रस्टीज की इमरजेंसी मीटिंग है, मैंने तुम्हारी ओर से एक छोटी सी सफाई ड्राफ्ट किया, प्लीज इस पे साइन कर दो। प्रभाकर जी, आपके इस बयान ने कॉलेज को बहुत गंभीर परिस्थिति में डाल दिया। एजेंडा क्या है आपका इस आरक्षण को सपोर्ट करने के पीछे? दामोदर जी, वो स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छप गया था और प्रिंसिपल साहब ने अब उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया है। वर्षों तक शकुंतला ठकराल महाविद्यालय को अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य था। जाहिर है कि अब आपका स्नेह और विश्वास में मैं खो चुका हूं। चलने का वक्त आ गया है, अब सबों को धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रभाकर, मिथिलेश सिंह को प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया सर, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा सर। सर प्लीज मत जाइए। आइए मिथिलेश जी, सही समय पर आ गया, मैं स्वयं आपका प्राचार्य की कुर्सी पर स्वागत करना चाहता था। धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन इस कुर्सी का समय काल भी आपके साथ ही समाप्त हो गया, मैं नई कुर्सी मंगवा रहा हूं। पर जो भी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एसटीएम को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये शुभकामनाएं आपके साथ। निश्चित, और ये भी पक्का है कि मैं इस संस्थान को उन ऊंचाइयों से गिरने भी नहीं दूंगा।
दोनों फोन नहीं उठा रहे। अब उन्हें अचानक घर छोड़ने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना? लेकिन हफ्ते दस दिन में तो इंतजाम कर ही सकते। बाबा स्ट्रीट तो यही है, वो रहा शंभू का तबेला। अरे प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अरे ये सब सामान वगैरह? सामान लेकर घर आना पड़ा जाने से। ये लेकर? हाँ तो यही तो है आपका घर 2047, पर यहाँ तो कल ही रात से कुछ लोग साइन बोर्ड वगैरह चिपका रहे थे, पता नहीं। सर एक मिनट सर। सर जी क्या हो रहा है? हे हमारे घर में के कोचिंग कैसे आप लोग? इसी वक्त निकलिए यहां से, चलिए निकलिए। हेलो सर, वो प्रभाकर अंकल यहाँ आ गए। हम आते हैं, चिंता मत करो। एंड दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे वाह, ये कर क्या रहे आप लोग? आपने दो साल के लिए हम लोगों को। सुलोचना भाभी कहाँ है? वो अपने रहने के लिए हमने मकान किराए पर लिया है तो। और हमारे घर में कोचिंग सेंटर, वाह। अरे तुम लोग एसटीएम से हो ना? I want everybody out from here. Everybody! अंकल प्लीज एक मिनट चुप रहिए। आप लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि आप लोग ने किया क्या यहाँ पर। आई क्या बात है? अरे क्या हुआ? आप इस घर से बाहर ही रहें तो ठीक रहेगा। हम बाहर? हम नहीं, आप जाएंगे। देखिए ये हमारा बिजनेस प्रमाइस है डॉक्टर प्रभाकर आनंद, एंड यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस हियर। अरे आपको भाई साहब, आपने ही तो कहा था कि हम दो साल तक रह सकते हैं। दो साल? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दोस्ती में सहारे के लिए आसरा दिया था हमने, और आपने विश्वासघात किया हमारे साथ। कामता और मैं सारी जिंदगी कमर्शियल क्लासेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और आज हमारे घर में के कोचिंग। तो क्या करती मैं, वो खटते रहे ना आपके साथ, क्या मिल गया? एक मकान तक नहीं बना पाए अपना। आपने आसरा दिया पर कमाई तो नहीं हुई ना उससे। ये तो भला हो मिथिलेश जी का, जो इन दोनों बच्चों को इन्होंने राह दिखाई के मेहनत करके कुछ जोड़ लें अपना। तो जाइए अपने किराए के घर में, जो करना है करिए, हमारे घर में क्यों? इनफ 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 इनफ, ये फैमिली कोर्ट का ड्रामा प्लीज बंद कीजिए आप लोग। जिसको जहाँ जाना है जाए, ये जगह दो सालों के लिए अब हमारे पास है, तो आप के कोचिंग क्लासेस को डिस्टर्ब ना करें ना प्लीज। लोग स्वयं जाएंगे या मैं मदद करूं? हाथ लगा के देखना मेरे पापा को, निकलो यहां से। ए रुको, छोड़िए, कहां जा रहे हो? पहचानते नहीं आप लोग हमको? अरे हमने गुरुजी किसी ने टच भी किया ना तो। शंभू नहीं गुरुजी, हम फफेड़ के रख देंगे इनको। शंभू समझते काहे काला काला कपड़ा पहनकर डरा देंगे हमको? जस्ट दैट आई डू नॉट बिलीव एंड प्रैक्टिस वायलेंस डज नॉट मीन दैट। ये घर हमारा है, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शंभू अगर आपके पास लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर हो तो जरा। हाँ आप आइए तुरंत। जी 2047 जी। धन्यवाद गुरुजी, वहीं फोन कर रहे थे, वो थाना इंचार्ज है ठाकुर जी, आ रहे हैं। हाँ जिसको बुलाना है बुला लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मिथिलेश जी, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ ठीक है, शौक से चले जाइए आप, लेकिन उसके पहले आप ये जो कोचिंग सेंटर हमने रातों रात इमरजेंसी में शुरू किया है, उसका 25,186 स्टूडेंट्स हमने ट्रांसफर किया है, उनका एडवांस कोर्स फी 93 लाख कितना होगा? 1,18,00,000 उसका भुगतान करवा दीजिए बस। हम कब लिए हैं आपसे पैसा? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। के कोचिंग कभी कच्चा काम नहीं करता। आइए ठाकुर साहब, अरे बदतमीजी का हाथ होता, देखिए ना। आइए हटिए, हट जाइए। ये देखिए अंधेर में। प्रिंसिपल साहब। सर मैं शक्तिनाथ ठाकुर, थाना इंचार्ज। आप मुझे पहचानेंगे नहीं सर, आपका स्टूडेंट था ना भक्तिनाथ, उसका बड़ा भाई, IPS हो गया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये घर हमारा है, आज जब हम यहाँ अपना सामान लेकर आए
तो हमने देखा कि यहाँ इन लोगों ने कोचिंग सेंटर खोल रखा है। अच्छा, घर में घुसाया। ए, देखो कौन लोग हैं, राउंड अप करो जरा। जी सर। चलो चलो। मिथिलेश बाबू, आप यहाँ कैसे? सर सर, हमारा बच्चा इन्हीं की कोचिंग में जाता है। आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। कोई घर में घुसा नहीं है, इन्होंने खुद इन बच्चों को रहने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए दिया ही ये मकान। क्या है भाई? हा? जी वो 2 साल के लिए दिया था। झूठ बोल रही है, सिर्फ रहने के लिए दिया था। एक मिनट सर, इनमें से कौन लोग हैं जो जबरदस्ती घुसकर आपके घर में कब्जा किए हैं? आप नाम लीजिए, हम एक मिनट में बाहर कर देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने अपने दोस्त कामता प्रसाद के बच्चों को मदद के नाम पे ये घर रहने के लिए दिया था, इन लोगों के साथ कोचिंग सेंटर खोलने के लिए नहीं। ओ, तो कोई जबरदस्ती नहीं है फिर तो सर? ये सिविल मैटर है, पुलिस का केस नहीं बनता सर। मगर ये घर तो हमारा है सर। वही तो, प्रॉपर्टी और पजेशन का मामला हो गया ना। आप फौरन वकील कीजिए सर। इस मामले में सबसे बड़े वकील मदन मोहन पांडे ठीक रहेंगे, वही इस मिथिलेश सिंह जैसा आदमी का इलाज कर सकता है। आप कहें तो हम फोन कर देते हैं। आप लोग कमरा लेकर के सेटल होइए, मैं जरा वकील साहब से मिल के आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें समय दे दिया। इट्स ओके प्रभाकर जी, फोन पे कुछ समझ नहीं पाया था। आपने उन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था? नहीं, मकान के लिए हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। मेरे दोस्त का परिवार है, विश्वास पर हमने उनकी मदद की थी, लेकिन उन लोगों ने मिथिलेश सिंह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है वहां पर कोचिंग सेंटर चलाने के लिए। मिथिलेश सिंह वो के कोचिंग वाले? अरे हमारे दोनों बेटे भी उनके कोचिंग में पढ़ते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, वेरी शार्प, कोई भी बात बेवकूफी की नहीं करते वो। मैं पर्सनली जानता हूं उनको, बात हो सकती है। मगर बात क्या करेंगे? अरे प्रभाकर साहब, मेरा मतलब है कि कोई समझौता हो सकता है उनके साथ। वकील साहब, मैं यहां समझौता करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे मेरा घर चाहिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं एविक्शन के लिए। मगर प्रभाकर साहब, आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोर्ट के फैसले में कितनी देर लगती है, सालों लग जाते हैं, खर्चे भी होते हैं। मेरी बात मानिए, मैं एक मीटिंग रखता हूं मिथिलेश जी के साथ, मैं कल ही फिक्स कर देता हूं, आप चिंता मत कीजिए, ही इज अ वेरी रीजनेबल मैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन मोहन जी। किस दिन काम आएंगे हम लोग सर? हमारे रहते होटल में रहेंगे आप? चलिए भाभी जी, सामान उठाइए, आप लोग हमारे घर में रहेंगे। दिनकर धन्यवाद, तकलीफ हो जाएगी तुम लोगों को। क्या हो जाएगा सर, दोनों बेटों का बिस्तर बालकनी में लग जाएगा, हम ड्राइंग रूम में सो जाएंगे सर, और कमरा आपके लिए। अरे दो एक दिन की तो बात है, कल केस फाइल कर रहे हैं हम लोग कोर्ट में। केस फाइल करना हो तो मेरा बड़ा बेटा अभिषेक आ जाएगा, सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी मदद होगी, धन्यवाद जी। नया केस है, अर्जेंसी क्या है सर? डॉक्टर प्रभाकर आनंद के घर पे। योर ऑनर, ये हमारे घर का मामला है, प्रतिवादी लोगों ने अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन कर लिया, हम सड़क पर आ गए। आई एम एन ओल्ड मैन योर ऑनर, हमें इस घर की बहुत जरूरत है, इसलिए इसका इविक्शन करवाना बहुत जरूरी है मिलॉर्ड। योर ऑनर, इस केस में हमें भी पार्टी बनाया जाए। आप? मैं बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिफेंडेंट बैंक के कर्जदार हैं और वो जगह उनके बिजनेस प्रमाइस है, अगर उनको वहां से निकाल दिएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा और बैंक अपनी रिकवरी नहीं कर पाएगा। ये आपने साइन किया? हाँ, लेकिन लोन के लिए गारंटी दी थी, घर की तो कोई बात ही नहीं थी। बात है बाबा, उन्होंने आपकी लोन की गारंटी लेकर इस केस में जोड़ दिया है, क्यों साइन किया आपने? योर ऑनर, इसको स्टडी करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक शॉर्ट डेट दिया जाए। 4 मई। थैंक यू योर ऑनर। अब
अरे सुनिए सुनिए भाई साहब, ये आप कैसे कर सकते हैं? वो घर हमारा है, बैंक कैसे रोक सकता है हमें वहां रहने से? सर, आपकी गारंटी पर हमने उन्हें लोन दिया बिजनेस करने के लिए, अब आप ही उनका बिजनेस रोकने पे लगे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, गारंटी दिया घर थोड़ी ना गिरवी रखवाया बैंक के साथ। गारंटी का मतलब समझते हैं आप? अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भर पाए तो बैंक आपका घर बेच के वसूलेगी। लेकिन बाबा ने गारंटी कंप्यूटर सेंटर के लिए दिया था, कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं। मुझसे मत पूछिए प्लीज। अरे भाई आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बैंक के इंचार्ज तो आप ही है ना? था, अब ये है। भला हो आपकी आरक्षण पॉलिसी का, मेरे से 4 साल जूनियर, कोटा में नौकरी पाए मिस्टर इंद्रदेव राम का प्रमोशन, मेरे से सीनियर पद पर हो गया है, अब इन्हीं से पूछिए। थैंक यू सर एंड गुड बाय। बाबा ने हमारा घर दान में दे दिया। क्या? कामता अंकल के बेटों की लोन की गारंटी लेकर। ये क्या बोल रही है तू? यही माँ कि अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। अरे किसने कहा घर नहीं है? हमारे वकील लड़के लेंगे वो घर, मगर फिलहाल तो यहाँ से चलो और हमारे घर रहो। और प्रभाकर तुम भी कमाल करते हो यार, मेरे रहते हुए यहाँ होटल में आके टिके हो। भाभी जी हमारा गेस्ट हाउस खाली है, जब तक चाहे रह सकते हो। सचमुच बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाह रहा हूँ, हम लोग यही ठीक है। फिर वही जिद, पूर्वी बेटा सामान बांधो, भाभी जी तुम भी ना प्रभाकर, तुम्हारी इसी जिद की वजह से सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन बैठी है। अगर उस रोज मेरी एक बात मान लेते और ये गलती ना करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अभी भी वक्त है। किस गलती की बात कर रहे हो अनिरुद्ध? प्रभाकर अनिरुद्ध, एक मिनट, किस गलती की बात कर रहे हो तुम? उस गलती की जो मैंने कामता की आंखों में सुख देखने के लिए उसके बेटों की मदद करने के लिए की, या उस गलती की जो मैंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने के लिए की? प्रभाकर फॉर गॉड सेक अभी तो प्रैक्टिकल बनो, यही कहना चाहते हो ना? नहीं अनुरोध बाबू, ये मेरे लिए गलतियां नहीं है, ये मेरे सिद्धांत है, उन पर मुझे विश्वास है। इसलिए एक बात जान लो, वंस एंड फॉर ऑल, मैं जैसा हूं वैसा हूं, अपने आप को बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और मेरा परिवार यह जानता है। धन्यवाद। आपको हो क्या गया बाबा? ऐसे कैसे आप अनिरुद्ध अंकल की इंसल्ट कर उन्हें निकाल सकते हैं? आपने सुना उन्होंने क्या कहा? तो गलत क्या कहा उन्होंने? कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने बाबा, आपके लिए आपके सिद्धांत ही सब कुछ है। बस कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है? कि आपकी बेटी रोज कॉलेज में ताने सुनती है आपके हेडलाइंस बनाने वाली स्टेटमेंट्स की वजह से? कोई फर्क पड़ता आपको इस सबसे? ये क्या बोल रही है तू पूर्वी? क्या हो गया तुम्हें अचानक? कुछ अचानक नहीं हुआ है माँ, हमेशा से हम वही करते हैं जो बाबा चाहते हैं, बिना कोई सवाल किए। एक सेकंड मुझे नहीं लगा दीपक से रिश्ता तोड़ने में, क्योंकि उसने बाबा को चोट पहुंचाई थी। सुशांत छूट गया, मेरे सारे दोस्त छूट गए, लेकिन पूछो इनसे कि कभी चिंता की ये जाने की कि मैं क्या चाहती हूँ? मेडिकल ज्वाइन नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बाबा ने मुझे एक ग्रेस मार्क अलाउ नहीं किया, 1 सिंगल ग्रेस मार्क। क्यों? क्योंकि मैं महान प्रभाकर आनंद की बेटी हूँ, तो उनके सिद्धांतों और ईमानदारी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना माँ। तुम इस तरह अपने पिता से बात नहीं करोगी, कभी नहीं। तुम भी तो भुगत रही हो माँ, नहीं तो आज इस होटल रूम में नहीं रहती, जबकि कोई और आपके अपने घर में मजे ले रहा है क्योंकि आपके पति ने उसे दान में दे दिया। बस एकदम चुप, बहुत बोल चुकी तुम, अब एक शब्द नहीं। तुम्हारे पिता से बेहतर किसी इंसान को नहीं जानती मैं, कायरों से भरी दुनिया में ही सर रियल हीरो, वो कुछ भी कहे या करे मैं हर दम उनके साथ रहूंगी बिना किसी सवाल के, और जब तक तुम हमारे साथ रहती हो तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा बिना किसी सवाल के, समझी?
over your proposal, Deepak. Interesting. I'm lucky to have you as a guide, sir. Dr. Prabhakar Anand says you are the best in applied mathematics. He's a fine man, a great scholar. I think I'll email him right away. What's this? Do you know anything about this? सर कैसे हैं? नेट पर मैंने पढ़ा कि सब हाँ सब ठीक है। बाबा ने रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट? पूर्वी सब ठीक तो है? सच बता मुझे प्लीज। हाँ सब ठीक है और तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। पूर्वी जब से घर छोड़ा है मैंने अपने आप को कोसता रहा हूँ मैं। समझ नहीं पाया मैं उनको। कितनी घटिया तरह से बात की मैंने उनसे, कितनी चोट पहुंचाई मैंने उनको। I feel so guilty. पूर्वी मैं माफी मांगना चाहता हूं उनसे। पूर्वी प्लीज मुझे बात करने दो उनसे। वो ठीक है दीपक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके पूर्वी प्लीज। देखो मैंने आपके पसंद का खाना मंगवाया है, जीरे के तड़के वाली कड़ी, मिस्सी की रोटी और ये आलू की। I'm sorry बाबा, I'm really sorry. कितना हर्ट किया मैंने आपको, डर गई थी मैं, बहुत डर गई थी। पापा जी बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। अत्यावश्यक काम है, मुझे संस्थापक महोदय से मिलवा दीजिए। वो तो है नहीं, कहिए क्या काम है। जी मेरी छात्रवृत्ति की राशि पद्मावती संस्थान पहुंची नहीं अब तक और 4 बजे प्रवेश का अंतिम समय है। क्या नाम है आपका? जी पंडित दीनानाथ उपाध्याय। मगर इसमें नाम तो है नहीं आपका। हाँ जी असंभव है, तो नाम तो था मेरा, शीर्ष पर था, प्रभाकर जी ने स्वयं अनुरोध किया था। कौन प्रभाकर सर? वो एसटीएम के एक्स प्रिंसिपल। जी जी जाकर कहिए उनसे
कहीं रिजर्व कोटा में आपका एडमिशन कराएं। हम ऐसे लोगों की सिफारिश पर अपनी छात्रवृत्ति बर्बाद नहीं करते। क्षमा करें, मैं आपकी परिस्थिति से अवगत नहीं था, अन्यथा अपनी विपत्ति लेकर आपके समक्ष कभी नहीं आता। रुकिए पंडित, ठीक किया आपने, आप रुकिए। इस बच्चे का एक साल खराब हो जाएगा और उससे भी अधिक ये बिल्कुल टूट जाएगा। मेरी वजह से उन लोगों ने इसका स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया। जल्दी करो प्रभाकर, ये अगर समय पर नहीं पहुंचा तो इसका एडमिशन लैप्स कर जाएगा। तनिक विलंब ना करें, हम शीघ्र जाएं और प्रवेश की प्रक्रिया को संपन्न करें। जाएं। जी प्रणाम, प्रणाम। सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, एक क्षण का विलंब नहीं किया उन्होंने मुझे चेक देने में। मात्र 3 मिनट ही तो शेष थे जब मैं प्रवेश खिड़की पर पहुंचा। कभी उतार नहीं पाऊंगा उनका ये ऋण, लीजिए ना। बहुत बधाई, ऑल माय बेस्ट। शुभकामनाएं। हाँ भाई, अनेकों शुभकामनाएं। पूर्वी प्लीज प्लीज बैठो ना, सुन कॉफी ले आ दो। पूर्वी, I cannot tell you how sorry I am. सर को समझ नहीं पाया मैं। दीपक से बात हुई? पर मैंने कुछ नहीं कहा उसे, नहीं चाहती कि वो परेशान हो। सर से मिलना चाहता हूं मैं। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प। थैंक्स, पर अभी वो किसी से नहीं मिलना चाहते। तो इसके लिए अमेरिका से काले छोड़कर आने का क्या जरूरत है? हमको एक रिंग मार देते। वो मिथिले सिंह का इतना हिम्मत कि गरीबों के मसीहा प्रभाकर जी को टच करे। कर। ए लुटन। जी भैया। फोन लगा कॉलेज में। तुम चिंता मत करो, बहुत मान है पिछड़ा समाज में उनके लिए। जरूरत पड़ा तो मोर्चा लेके पहुंच जाएंगे सब लोग। हाँ हेलो, प्रिंसिपल है लाइन पे दादा। हेलो, अरे नमस्कार नेताजी। नमस्कार तो हम करेंगे आपका। ये मास्टरी छोड़ के दादागिरी कब से करने लगे आप?
जी समझे नहीं हम। तो हम आके समझा देते हैं। देखो प्रभाकर जी का बंगला अगर 24 घंटा भी खाली नहीं हो गया ना, तो फोटो टांग देंगे दीवार पर माला डाल के। अरे अब हमारी बात कोई सुनवाई नहीं होगा इस केस में मिथिलेश सिंह। अरे आप एक बार पधारिए तो सही। बस समझो खाली हो गया। आइए आइए विष्णुदास जी, आपका स्वागत है। ये आने जाने के बाद छोड़िए मिथिलेश सिंह, ये दादागिरी छोड़िए और हमारे आदमी का बंगला फौरन खाली कर दीजिए। सही बोल रहे हो विशंबर दास, अब तो वो तुम्हारा आदमी हो गया ना, डॉक्टर प्रभाकर आनंद। अरे बाबूराम जी आप अच्छा है अच्छा है, तुम उनका बंगला खाली करवाओ, वो तुम्हारी सीट खाली करवाएगा। सीट? ये क्या कह रहे हैं आप? और का, अरे तुम पिछड़ों की राजनीति पे हल चलाओ, फसल काट कर ले जाएगा वो। जितना समझते नहीं थे उससे कहीं ज्यादा बड़े बेवकूफ निकले तुम। खेल समझ में नहीं आ रहा है क्या उसका? हाँ, आरक्षण के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट देके उसने तुम सब पे हाथ फेर दिया। अब देखिए कैसे बनता है वो पिछड़ों का नेता। नेता? वो कैसे पिछड़ों का नेता बन गया? आपकी मंद बुद्धि की मदद से। आप करिए सपोर्ट उसका, करिए सपोर्ट। हम काहे करें सपोर्ट? तुम नहीं समझोगे, बहुत गलत आदमी है वो। धन्यवाद, समझ गया मैं। You out of here. ये घर खाली करो अभी। अरे खाली कर दो, आप कहां के कलेक्टर हैं भाई? अरे अरे सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। सड़क पे होते तुम लोग अगर प्रभाकर सर ने पना नहीं दिया होता, क्या सोचा कि वो चुप बैठे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे और तुम उन पर अत्याचार करते रहोगे? अभी क्या भी निकलो यहाँ से। सर वो पुलिस को फोन कर दिया सर, वो दीपक जी यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो करता है करने दो, बस उसको जाने मत देना, समझे? अरे दिगंबर बाबू भाई, आप लोग लाइव कवरेज करना आजकल बंद कर दिए हैं क्या? मिथिलेश सिंह, आप जिम्मेदार हैं सारे खुराफात के लिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम भी नहीं डरते, जाके बोल दो उनसे डॉक्टर प्रभाकर आनंद से जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। अरे तेरी तो कमजोर समझ रखा है उनको। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो अपनी ये दुकान और दफा हो जाए यहाँ से, वरना उठाकर फेंक दूंगा। गेट आउट। ये कोई तरीका है क्या? हम लोग यहाँ लीगल और शांतिपूर्ण ढंग से कोचिंग चला रहे हैं और यहाँ गुंडे भेज रहे हैं प्रभाकर आनंद। अरे गुंडा किसको बोलता है रे? देख ली खाल, इसको देख लीजिए चाल, देखिए देखिए करता है, देखिए आप देख लीजिए चाल, आप लोग खुद ही देख लीजिए किस लेवल पर उतर आए हैं ये लोग। सर आप इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं? आई एम टोटली शॉक्ड। हमारे हिसाब से तो ऐसे आदमियों के लिए बस एक ही जगह होनी चाहिए, बस जेल। डॉक्टर प्रभाकर आनंद के कहने पर ही दीपक कुमार ने ये हमला किया है, पुलिस ने दीपक कुमार को हिरासत में ले लिया। मिथिलेश सिंह से भी उन्होंने हाथापाई की। इस वारदात से मिथिलेश सिंह गहरे सदमे में है और विद्यार्थी दहशत में। आप ही प्रभाकर आनंद है? जी मैं हूँ। चलिए थाने बुलाया आपको। अरे लेकिन ये तो यहीं पे थे। एक मिनट कविता, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं तुम दोनों यहीं ठहरो। मिथिलेश सिंह से आप बदला ले रहे हैं?
डॉक्टर आनंद, पहले प्रिंसिपल फिर अपराधी, कैसा लग रहा है आपको? साइन करो अपना कुंडली। के कोचिंग गया था ना, साइन कर, अंदर लेके जाए इसको। सॉरी सर। आइए प्राचार्य महोदय, दिखते तो आप बहुत जेंटलमैन हैं, इसलिए हम आपको कितना आदर के साथ समझाए थे, वकील भी करके दिए थे, और आप ये चवन्नी छाप गुंडा का इस्तेमाल करने लगे। छी, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सर को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ज्यादा हीरोगिरी किया तो ठूस के रख देंगे। क्या लगता है आपको, कानून आग पे पट्टी बांध के बैठा है? ये तो 326 और 452 में अंदर जाएगा ही, आपको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफा 120 बी में अंदर कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको ठाकुर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना इज्जत बेच चुके हैं, नहीं तो एसटीएम से इस तरह धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जाता है। ढकोसले बाजी में डॉक्टरेट किया है इन्होंने, बेनकाब हो चुके हैं ये, टोटल फेक टीचर। पितिलेश सिंह, सर के बारे में एक और शब्द बुलाना तो छोड़ूंगा नहीं। कैसे कैसे विद्यार्थी तैयार किए इन्होंने, 35 साल तक गणित के नंबरों का ढोंग रचते रहे, अब रिजल्ट बाहर आ गया सर, अब थे जीरो, हैं जीरो, और अब हमेशा रहेंगे जीरो। मतलब बाबू, तो इनका किया क्या जाए? अरे कुछ करने का जरूरत नहीं है, के कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस देने चले थे आप? हिंदुस्तान की शिक्षा का भविष्य है वो, कोई जगह नहीं है आपके जैसे शिक्षकों की। डॉक्टर प्रभाकर आनंद, यू आर डिसमिस्ड। आनंद के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हेलो, क्या हुआ पूर्वी? काट दिया। अरे पर कहा क्या, कहा गए वो? कुछ नहीं कहा माँ। ठीक है, मैं कल सुबह। क्या किया बाबा को? उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया पुलिस ने। तो फिर है कहा वो? मेरे पहुँचने से पहले ही निकल गए। और दीपक कहाँ चले गए होंगे वो? ये क्या कर दिया मैंने, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। सुरेंद्र विलास ही है। अरे पूर्वी दीदी से बात करवाइए हमारी। हाँ जी, बस वो लोग आ ही गए। एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए कोई शंभू यादव जी का फोन है। क्या शंभू? हेलो दीदी, हम शंभू बोल रहे हैं, तबेले वाले। गुरुजी हमारे पास आ गए। क्या? आप लोगों को ही बुलाया है। क्या हुआ? आप यहीं आ जाइए।
क्या पूर्वी? क्या हुआ? बाबा ने बुलाया है। प्रणाम दीदी। अरे सामान उठो जल्दी। कहाँ है कहाँ वो? वो है ना लगे हैं गुरुजी तो बस X is equal to Y to the power of A is equal to Z to the power of B to the power of A is equal to Z to the power of AB is equal to X to the power of C to the power of AB is equal to X to the power of ABC. Therefore, ABC is equal to 1 QED. Wow, ये तो quite easily done हो गया. चलो अब तुम लोग जाओ स्कूल की तैयारी करो अगली क्लास शाम को लेंगे हैं चलो जाओ गुरुजी चाय एक बात बताएं गुरुजी हमने अपने मुनिया को पढ़ते वक्त इतना हंसते हुए नहीं देखा आज तक शंभू यहां आसपास और भी बच्चे होंगे दसवीं बारहवीं क्लास के है ना गुरुजी बहुत है ये बस्ती है दूसरी तरफ जमा करो सबको चाहे जिस घर से भी हूं मैं पढ़ाऊंगा उनको मुफ्त जी प्रभाकर मुझे मेरा घर चाहिए ये तुम कहां ले आए हो हमें ये सब क्या शुरू कर दिया घर भी लेंगे कविता और वो सब कुछ मान सम्मान वो सारे मूल्य जिनको मैं एक शिक्षक की तरह जीता रहा सब कुछ शिक्षा के व्यापारी आतंकित नहीं कर सकते हमें खत्म कर दूंगा इन सबको मैं शाबाश कलेक्शन अच्छा है इस बार लेकिन अब से सारा फीस आप लोग एडवांस में लीजिए सेंटर ऐसे ही चलाते रहेंगे आप लोग तो मैं आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर 5 साल का कर दूंगा लेकिन सर वो प्रभाकर अंकल तो सिर्फ 2 ही साल के लिए सिविल केस है रगड़ते रहेंगे 20-25 साल सुना आजकल तबेले में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ भैंसों को आरक्षण दिलवाएंगे क्या नहीं सर वो आसपास की बस्ती से कुछ बच्चे आ जाते हैं और क्या करेंगे भाड़ा तो चुकाना है ना शंभू के तबेले का क्यों कहिए क्या बात है हमारे पास दीपक कुमार के बेल पेपर्स हैं उनकी जमानत हो चुकी है अरे छोड़ दो वो हीरो को ए इधर आइए वकील साहब संभल जाइए मिस्टर ये लफंगेड़ी चलेगा हमारे एरिया में लीजिए साइन कराइए धन्यवाद वकील साहब मगर किसने कराया हमारा जमानत
For a maximum product of Q into Q minus Q, both parts must be the same. Therefore, Q divided by Q is equal to 2. क्या बात है मुनिया? सर, हम नहीं पढ़ेंगे. क्यों? सर, प्रिंसिपल मैडम ने वार्निंग दिया है. प्री बोर्ड में 65% नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे. और सर, मेरा तो 57 से ऊपर कभी नहीं आया. कब है प्री बोर्ड? 23 तारीख से. 23 तारीख, 2 हफ्ते हैं. क्यों नहीं आएगा? जरूर लाएंगे हम 65%. मेहनत करेंगे कि नहीं? करूंगी. हाँ तो फिर पक्का आएगा. तो जैसा कि मैं कह रहा था, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ Q एंड Q माइनस Q. इफ द कूलॉम रिपल. सुशांत और दीपक आपसे मिलना चाहते हैं. Repulsion between them when they are separated. Baba, please. वो भी मदद करना चाहते हैं. मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं. Thank you. Then the ratio of Q by Q should be A 2, B 1 by 2, C 4 or D 1 by 4. तो जैसा कि मैं कह रहा था, a charge Q is divided into two parts of Q. तीन बज रहे हैं रात के, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? रिवीजन करवाना है. मैथ्स का पेपर है आज उनका. मैडम जी. प्रणाम. सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है. Cannot be greater than the value of. अरे ये तो डॉक्टर प्रभाकर आनंद हैं. जी, यहाँ यहाँ सभी बच्चों को यही पढ़ाते हैं. तभी तो ये चमत्कार हुआ है. जी, हमारी प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलने आई है. नमस्कार. नमस्कार. कैसे आना हुआ? आपकी स्टूडेंट मुनिया ने वो करके दिखाया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा. 57% लाने वाली लड़की प्री बोर्ड एग्जाम में 76% लेकर आई है. अरे ये आप ही कर सकते हैं सर. ये तो और भी अच्छा करेगी बोर्ड में. क्यों मुनिया? 80 से भी ऊपर लाऊंगी. अरे 80 से भी ऊपर लाएगी और मुनिया. अरे चाय चढ़ाइए, हम मिठाई लेकर आते हैं. क्या हुआ? नमस्कार. फर्स्ट आई हूँ क्लास में. अरे वाह. हमारे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग में जाते हैं, केके में भी, मगर इस बार मुनिया ने सबको पछाड़ दिया है. और अब सबके माँ बाप पूछ रहे हैं मुनिया के कोचिंग स्कूल का पता. तबेला स्कूल. जो भी पढ़ना चाहता है वो यहाँ आ सकता है. हमारी तो फीस वापस कर दीजिए आप. हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को. सर, प्लीज आप मेरी तेज देखना प्लीज. आप लोग. हेलो सर. ये क्या हो रहा है सनी? इस महीने स्टूडेंट्स आधे हो गए. सर अभी एडमिशन चालू ही है. आज एक 20 लड़कों का ग्रुप आ रहा है. मेरे ख्याल में अगर हम लोग थोड़ी सी पब्लिसिटी और. के कोशिक को पब्लिसिटी की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये क्या हो रहा है तेज प्रसाद? सर सर मेरी बात हो गई है. आजकल मैं दो दो स्टूडेंट्स. सर सर बस आजकल मैं. ये क्या
कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सर वो सामने तबेले में कोचिंग क्लासेस चल रही है आजकल। गांधीनगर के बच्चे हैं सर, सुशांत सीट ने इनके लिए बस अरेंज करवाई है। रियली? चल पड़ा इसका नौटंकी लगता है। आप लोगों ने अपने नोट्स बना दिए हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कॉपीज जेरॉक्स करवा दूंगा। तबेले में अब 70 से ऊपर हो गए बच्चे। मिस डे, माफ कीजिएगा दिनकर जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। सर, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है आपको। आइए बैठिए, बहुत ओवर टाइम हो रहा है तबेला में। अच्छा माल कमा रहे हैं आप लोग। जी मैं अपनी सेवाएं वहां मुफ्त दिया करता हूँ। क्यों? अरे दिनकर जी, क्यों मुफ्त में इतनी मेहनत से अर्जित की हुई विद्या को कचरे में फेंक रहे? हमारे केके कोचिंग में आई आपकी प्रतिभा का कद्र होगा वहां। 1,00,000 रुपया महीना। मिथिलेश जी, मैं प्रभाकर जी के सिद्धांतों पर समर्पित हूँ, आप मुझे नहीं खरीद सकते। ठीक है बैठे। क्यों इतनी जल्दी में? आपने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, ये नया रूटीन तो लेते जाइए, आपकी डिमांड बहुत है स्टूडेंट्स में। ये डेली सुबह 2, शाम को 2, 4 एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी दीजिए। मगर ये तो सरासर अन्याय है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। दिनकर जी, अगर आपने इस आदेश का पालन नहीं किया तो मजबूरन मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। इस टीम ने जो आपके घर के लिए बैंक को गारंटी दी है उसे वापस लेना पड़ेगा। नौकरी तो खैर पूर्व उप प्राचार्य महोदय, यू हैव नो अदर ऑप्शन, घर नीलाम हो जाएगा, फिर शायद आपको भी तबेले में ही शरण लेनी पड़े। सी यू इन द क्लास। नमस्ते दिनकर, जल्दी आ गए आज हैं? क्या बात है? सर मैं इस टीम से त्याग पत्र दे रहा हूँ। सर मिथिलेश सिंह ने मिसेस डे, शर्मा और कौशल सभी को पैसों का लालच देकर खरीद लिया है, और मुझे भी सर अपसेट नहीं होता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा सर। नहीं दिनकर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सर आप अकेले, सर मैं नौकरी, मेरी चिंता मत करें, मैं मैनेज कर लूँगा। आइए 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 आ जाइए आ जाइए आइए आइए। देखिए हमारे साथ जो और टीचर हमारी मदद करते थे वो अब नहीं आ पाएंगे, तो आप लोगों में से जो दोपहर में आ सकते हैं वो 3 बजे आ जाएं, और जो शाम को आ सकते हैं वो 7 बजे यहाँ आ जाएं। मैं 3 सेशन लूंगा रोजाना। सुडोपोडिया, पेरेंटल बॉडी ही रिप्रोडक्शन यूनिट का काम करती है। यूनिसेल्यूलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है। 1, 2, 3, 3, 1, 1 within brackets. Now, obtain the universe of the following matrix using elementary proportions. और मैं 1 मिनट में आई, आप लोग ड्राइंग कर लेंगे। जी बेटा, ये इन लोगों के लेसन आज कंप्लीट कराने मुझे। पापा प्लीज थोड़ी देर के लिए चलो ना। बहुत चिंता करती हैं आप हमारी। अच्छा चलिए एक प्याला चाय ले आइए हमारे लिए। ओके थैंक यू। हाँ
Okay, settle down. All right. Let's start. Baba, एक मिनट तो स्थिर बैठो ना. टेस्ट लिया है आज बेटा, हमने चेक करना है. क्या चाहते हो तुम प्रभाकर? इस तरह अकेले कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ हो गया तो? होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है कविता, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं रुकूंगा नहीं अब, चाहे मुझे अकेले ही ये रास्ता क्यों ना तय करना पड़े. हरिया आ बेटा, ले मुंह मीठा कर. शाबाश M2. अरे दीपक भैया, अरे लो लड्डू खाओ. सत्यनारायण भगवान का पूजा किए थे. अरे वाह. इलो, तीसरी दिन बाकी रह गया है मुनिया का बोर्ड परीक्षा में. अब देखो सूरज, बांट दे ये लड्डू. जी सबको देना. तो सर कैसे? बस वही धुन सवार है उनको, सवेरे 5 बजे से लेकर रात 1 तक लगे रहते हैं बच्चों के पीछे. पूर्वी दीदी है, कविता जी है, मदद करते हैं, पर एक मिनट का सांस नहीं है उनको. हम लोग को तो डबल मजा हो जाता है, वहाँ गुरु जी से पढ़ लेते हैं और यहाँ हमें दीपक भैया गाइड कर देते हैं. अगर तुम होते ना पास में तो थोड़ा सहारा मिल जाता है. हमारे बस्ती के 27 जाते हैं सर के सुबह वाले क्लासेस में. वो सब तो ठीक है दीपक भैया, पर अभी और बच्चे आ रहे हैं ना, तो अकेले गुरु जी. a upon x plus 4 plus b upon x plus 7, and to find the value of the constants a and b we will assume x plus 4 is equal to 0, which means that x is equal to minus 4. Namaskar. Namaste. Sir, hamare bacche padhna chahte hain aapke paas. Ye dono KK coaching mein jaate hain magar ab aapki class aana chahte hain. मेरे दोनों शिव और ओम आपके यहाँ पहले से ही आ रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट देखकर ये आए हैं. अच्छा, हमारे यहाँ कोई भी पढ़ने वाला बच्चा आ सकता है, आप ज़रूर भेजिए. बस सर एक रिक्वेस्ट था, आप हमारे बच्चों को अलग से पढ़ा दीजिए. बहुत लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं आपके पास, आप चाहे तो हम जगह भी दे सकते हैं आपको. आप जो पेमेंट बोले हम लोग देने को तैयार हैं. बस सर इनके साथ बैठने में प्रॉब्लम है. ये लोग थोड़ा, आप समझ रहे हैं ना, नहाता भी नहीं है ये सब. हमारे बच्चों का कल्चर खराब हो जाएगा. भूत मुझे आपके विचार से भी आती है, बहुत घटिया विचार है आपके. मेरे लिए हर बच्चा एक समान है, एक क्लास में एक साथ सबको पढ़ाऊंगा मैं, जिसको जाना है जा सकता. अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपनी क्लास पूरी करूं. आपके फायदे की बात कर रहे थे हम, वहाँ के कोचिंग में 2-2 लाख महीने वाले 10 टीचर्स दिल्ली से लेकर आए हैं मिथिलेश जी, और फीस भी कम कर दिया है. कौन भेजेगा आपके यहाँ बच्चों को? चलिए जी, शिव ओम चलो घर, कल से तुम लोग के में पढ़ोगे. चलो चलो चलो, अरे चलो. सो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, लेट अस अज्यूम that x plus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to 0. Now, हम इसे फैक्टर कैसे करेंगे? Sir, x plus 7 is equal to 0, that is x is equal to minus 7. Now, put this value in f of x. Sir, except at x plus 7, that is in the denominator. बिल्कुल ठीक. Then b is equal to? Sir, 2 by 3. अच्छा बताओ, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो mod z is equal to 1 ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. सर जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा. मतलब
मास ऑफ हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है दोस्तों? सो टुडेज क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी बी इज इक्वल टू वी सी. हमेशा याद रखो, सबसे पहले एग्जाम्स में सवाल को दो बार तीन बार पढ़ो, ओके? सवाल का उत्तर हमेशा उसके अंदर ही होता है. हमने तो प्रभाकर सर को बोर्ड पर लिखने के साथ ही आंसर बता दिया था. अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस शाबाशी दी. इज इक्वल टू कितना होता है? मैं समझ गया था कि कोई और मेरी क्लास इस तरह से सबोटाज नहीं कर सकता है. सर, सर हमारा मतलब वो नहीं. हम तो सर, आप जो भी पनिशमेंट देंगे हम खुशी से मान लेंगे, मगर हमें माफ कर दीजिए सर. मिलेगी सजा तो जरूर मिलेगी. कल से आप दोनों अपनी क्लास मेरे साथ ही लगाएंगे. आचार्य महोदय, मैं प्रभाकर सर के साथ पढ़ाने जा रहा हूं. आपको जो करना हो कर लें. सबका सूरज सबका आसमान अब यहाँ.
जी, ये सब सेंचुरी प्लाई के लोग हैं, बहुत मदद की है ये सब बनवाने में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े पुण्य का काम किया है आप लोगों ने। अरे नहीं सर, ये तो हमारा फर्ज है। नमस्कार। तुम तबेले में जाकर खट रहे हो उस दो टके के आदमी के साथ। निकाल दी जाओगे कॉलेज से, तुम फेल हो जाओगे। जरूर निकाल दीजिए सर, मगर मुझे अब कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का बेस्ट टीचर मेरे पास है, प्रभाकर आनंद। बेस्ट? हम आपको इतने बढ़िया बढ़िया महंगे टीचर्स, बढ़िया फैसिलिटीज और अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन की गारंटी दे रहे हैं, और आप अपने बच्चों को तबेला में भेजकर उनका भविष्य गुड़गड़बड़ करने में लगे। आपके यहाँ बस नोट्स और गेस्ट पेपर पढ़ाए जाते हैं सर, रट रट के जान निकल जाता है बच्चों का। जैसे भी हो, रिजल्ट तो हम देते हैं, अंत में काम वही आता है, रिजल्ट। वो तो एग्जाम आने दीजिए सर, पता चल जाएगा रिजल्ट का भी। 2xy को कैंसिल करता है, प्रभाकर आनंद ने कुछ 5-6 बच्चों को यही इसी तबेले में पढ़ाना शुरू किया। देखते देखते 5 से 10, 10 से 20, 20 से 100, और आज पूरे 327 12वीं के छात्र, जिन्होंने यहाँ उनके प्रेपरेटरी स्कूल से मुफ्त में कोचिंग लिया, उनका रिजल्ट आया है 100% सक्सेस, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से लेकर शानदार कारों में आने वाले सभी वर्ग के बच्चे यहाँ आते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। लाखों रुपयों की फीस लेने वाले के कोचिंग जैसे कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल पछाड़ कर सिर्फ एक तबेले में शुरू हुआ ये फ्री कोचिंग सेंटर आज एक सुपर तबेला बन चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बंद कराना होगा ये तबेला कोचिंग। हमारे गेट पर ये देखो। ओह गॉड, क्या लिखा है? सरकारी नोटिस है। शंभू काका, आपने ये जमीन सरकार से किराए पर ली थी क्या? हाँ, वो यहाँ के कलेक्टर थे रमेश चंद्र, उन्होंने ये बंदोबस्त किया था 20 साल पहले। तो अब सरकार इसे वापस लेना चाहती है? अरे पर हम तो हर महीने किराया जमा करा देते हैं, सारा रसीद है हमारे पास, देखिए। क्यों क्यों? 7 दिन पहले की तारीख है, मगर चिपकाया आज है, जो कि नोटिस का आखिरी दिन है। अरे पर ऐसे कोई कैसे छीन सकता है हमसे हमारी जमीन? सरकार इस तबेले को तोड़कर यहाँ सरकारी गोदाम बनाना चाह रही है, मगर हम सब जानते हैं शंभू की इस योजना के बहाने हमारा तबेला स्कूल कौन तोड़ना चाहता है और क्यों। लेकिन अब की बार हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे गुरु जी, चाहे कोई गोली मारते हैं। यकीन नहीं आता कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। पूर्वी, हमें सबकी जरूरत होगी। मैं सुशांत को फोन लगाता हूं और मैं यहीं रुकता हूं सर के साथ। मैंने प्रभाकर सर का साथ दिया है। ये लोग उनको यहां से निकालने के बाद भी उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। आज मौका है दोस्तों, चलो हमारे साथ
और रोक दो इनके गंदे इरादों को। बच्चे क्यों जाएंगे वहां लाठी और गोली खाने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों जाएंगे? क्यों प्रभाकर आनंद ने गरीबों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई और अपनी जिंदगी बर्बाद की? क्यों वो एक तबेले में रह के दिन रात एक करके उन बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तबेला नहीं है, वो एक रास्ता है इनको और इनके जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, समाज में अपना सर उठा कर जिए। दोस्तों, आज उस तबेले को तुम्हारी जरूरत है, प्रभाकर सर को तुम्हारी जरूरत है। क्या है फैसला तुम्हारा? फैसला हो चुका है मैडम, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। चलो भाइयों। वार्निंग की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, आप अपना काम करें, हम अपना करेंगे। चलाइए बुलडोजर, आपके पास लाठियां हैं, बंदूकें हैं, बहुत ताकत है आपके पास। जाहिर है आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी ताकत क्या है। हमारे पास आत्मबल है जो अब बढ़ रहा है, कोई ताकत इसे कुचल नहीं सकती। ध्यान से देखिए आप सब और पहचानिए, ये सब बच्चे जो यहां पढ़ने आते हैं वो सब आप जैसों के ही घर से हैं। इनकी आंखों में जिस भविष्य का सपना है वो आपके घरों में भी पलता है, और जिन शक्तिशाली ठेकेदारों और नेताओं का हुक्म बजाने आप यहां आए हैं वो नहीं चाहते कि ये सपने साकार हों। अब फैसला आप कीजिए कि आप इस सपने को बचाना चाहेंगे या उसे कुचल देना चाहेंगे। तबेले को धूल में मिलाने की, समझ गए? ए ठाकुर, वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, समझ गए? डू योर ड्यूटी, खाली करा इस तबेले को। अरे डंडे का इस्तेमाल करो, खदेड़ सबको यहां से, डंडे का, धूल में मिलाओ, तोड़ इस तबेले को। पहचानते नहीं है ये लोग। आप लोग मरा गए हैं क्या? मरा गए थे आपके डर से, अब तो होश ठिकाने आए हैं। चलो, इन पर लाठी चलने वाली है अभी, सुन रहे हैं? अरे देख कर ये सब लोग खत्म हो जाइएगा। 1200 करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी बनाए हैं हम, 1200 खरीद लेंगे हम सबको।
ये जमीन भी खरीदेंगे, ये वर्दी वाला को भी खरीदेंगे और तुमको भी खरीदेंगे। बस बस, बहुत बोल चुके आप मिथिलेश सिंह। औकात क्या है आपकी कुछ भी खरीदने की? अपनी आत्मा तक तो बेच चुके हैं आप। ये बखलाहट साफ बता रही है आपका दिवालियापन। दिवालियापन, दिवालियापन। कितना भी जहर घोल दें, आप जैसे लालची बहरूपी मिथिलेश सिंह, ये देश ज्ञान और शिक्षा का मूल्य समझता है, अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है। 1200 तो क्या है, आप 1,200,000,000,000 भी लगा दें तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। भारत की शिक्षा का भविष्य टिकाऊ नहीं है। 0 कहा था ना आपने मुझे? धन्यवाद। उस 0 का आविष्कार एक महान भारतीय ने ही किया था, जिसका पावर आप समझ ही नहीं पाए। जो भी 0 के साथ टकराता है वो स्वयं 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप और आपके नीच और स्वार्थी मालिकों का खेल अब खत्म हो चुका है। You are finished. 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 मैं? अच्छा? आप पहचानते नहीं है आपको। खत्म कर देंगे इस तबेला को, देखते रहिएगा। बड़ा सुपर तबेला बनाते हैं ना, इंतजार कीजिए, देखते। हाँ बाबूराम जी, बाबूराम जी है? नहीं मालूम था माने क्या, इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन कराया था इसी दिन के लिए। सर हम पहुंच रहे हैं सर। खाली करवाओ, चलवा दो बुलडोजर, लाठी से नहीं सुनेगा तो गोली चलवाओ। ससुरा तबेला साफ नहीं हुआ ना डीजीपी, तो तुम्हारा पत्ता साफ। सर जी 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 जी, आप देखिए ये क्या हो रहा है। आपको नोटिस दे दी गई है, वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है। 10 सेकंड बाद लाठी चार्ज होगा। और हाँ, अगर आप लोगों से जरा भी खतरा नजर आया तो फायरिंग होगी। लाठी चार्ज के लिए तैयार रहे। बुलडोजर चलवाइए, गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पर। कोई सुनने को तैयार नहीं है। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं यहाँ पर? शकुंतला ताई, ये तो आज तक कभी आई नहीं ऋषिकेश से। ताई, मुख्यमंत्री बन गए हो प्रभु दयाल, अपनी सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सकते और बच्चों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। माफ कीजिएगा शकुंतला ताई, मुझे अभी पता चला, 1 मिनट में हट जाएंगे ये लोग। सॉरी ताई। कैमरा उधर लगाइए, अभी लगाइए कैमरा, इधर लेके जाइए वहाँ पर। कौन है ये? हमारे एसटीएम के नए प्रिंसिपल हैं मिथिलेश सिंह, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सर जी, सर सर मैं अभी विड्रॉ करवाता हूँ। गुरुजी पुलिस तो जा रही है, मतलब अब हमारा तबीला नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा भैया। शकुंतला नमस्कार। सौभाग्यवती रहो, 32 साल पहले देखा था, अभी भी वैसी हूँ। पूर्वी, पूर्वी है ये हमारी बिटिया। गॉड ब्लेस। ये दीपक कुमार है ताई। नमस्ते। एसटीएम से यूनिवर्सिटी टॉपर, अब यहीं पढ़ाता हूँ सर के साथ तबेला क्लास में। मैम मेरी भी एक ही डिमांड है। हाँ? आप मेरे पिताजी दामोदर सेठ को एसटीएम के ट्रस्ट से वो निष्कासित कर दीजिए। तुम्हें याद है मैंने कब एसटीएम के डे टू डे अफेयर्स छोड़े थे? जी 32 वर्ष पहले, जब तुम वहाँ के प्रिंसिपल बने थे। और इस तरह बिना पूछे गए तुम चले आए? इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है कि मेरा समय वहाँ पूरा हो चुका था। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा समय अब शुरू होता है? मैडम मैं दोबारा एसटीएम का प्रिंसिपल नहीं बन सकता, यहाँ पर मुझे बहुत काम है। मैं एसटीएम की बात नहीं कर रही हूँ, एसटी रेमेडियल सेंटर की बात कर रही हूँ। अनिरुद्ध ने मुझे सब कुछ बता दिया, हमारे ही कॉलेज कैंपस के अंदर एक रेमेडियल सेंटर खुलेगा, जहाँ हर जरूरतमंद और कमजोर विद्यार्थी मुफ्त कोचिंग लेगा और तुम ताउम्र
इस संस्था के प्रिंसिपल और मुख्य ट्रस्टी बने रहूंगी।